देखो भूपेंद्र फसल हो रही है बहुत बढ़िया आपके जी मुखिया जी, ठीक है। और खासकर कल्लू तू, तेरा बाप जो उस हर टाइम उसमें लगा रहा है, इतनी बढ़िया फसल हो रही है, और तू तू ले वो पकड़ के मच्छी पकड़ने चलता है। अरे वो कल्लू कहा इस मुखिया की बात तो मारा, ना तो खुद मच्छी खाता और ना हमें खाने देता, ये तो पूरे गांव में नई नेतागिरी झाड़ता फिर है। चल अपना काम कर, तुमने ही तो नाश बुरा खाया गांव में, तुमने ही तो एक काम नहीं करने देता किसी को। चल कल्लू मच्छी पकड़ने चल रहे। हाँ मच्छी पकड़ने चल रहे। अरे यार फावड़े तो धर दे है, यहाँ तो चोरी छोड़ दो। अरे धर दे फावड़े को, यू ना मैं चैन ते जीण दे। और भाई कल्लू इतनी बड़ी बड़ी मच्छी हो रही, चला। अरे कल्लू बैठ जा, ये तो दूसरे दाना खावेगा इन्हें झील में, ये जाए मच्छी पकड़ने। अपना नाश कर रखा है इन्होंने तो, समझ ले। अरे ध्यान दे मुखिया जी के बात पे, अपने बाप का काम में हाथ बटा। चल चलो अपना काम करो और चलो। अरे तुम छोड़ो उन्हें, तुम काम करो अपने। अरे क्या हुआ कल्लू, किस सोच में पड़ गया? मुझे कुछ काम नजर आया घर पे, मैं गाय को पानी पिलाने जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, जल्दी आइयो। और जल्दी आइयो, ये फूल भी मंडी में जाने हैं। वो तो कह रहे थे तुमनो कि झील पे बहुत बड़ी बड़ी मच्छी आएगी, मैं जा रहा हूँ लंबी लंबी। अरे ये कल्लू कहाँ जा रहा है? कल्लू भाई राम राम। राम राम भाई। कल्लू भाई इधर कहाँ जा रहे? मच्छी पकड़ने। भाई नदी पे जा रहे हो क्या? नदी पे नहीं, झील पे जा रहा हूँ मैं। झील पे? झील पे तो दानव रहता है। ये तो बड़े बूढ़े की कहावत है भाई, कोई दानव नहीं है भाई। जो आज तक वहाँ गया ना वापिस नहीं आया। कोई दानव नहीं होता, मैं चला मच्छी पकड़ने। जा तू क्या मछली पकड़ेगा, दानव तूने कच्चा चबा जाएगा खा के। बड़े बुड्ढों की कहावत ऐसी ना हुई, जो वहाँ एक बार गया ना वापस कभी नहीं आया। आज साले दानव तूने कच्चा ही खाया। आज तो शिकार खुद चल के घर पर आ गया, आज तो पेट भर के भोजन होएगा। आज तो पेट भर के मजा आएगा। दानव ने खा लिया। अरे क्या कर रहा था वो झील पे? अरे मुखिया जी मच्छी पकड़ गया था, मेरा क्या हो गया जी? मेरा कल्लू। अरे मैंने पहले ही कहा था उस दानव झील पे मत जाओ, पर कोई मेरे गांव वाला सुनता नहीं है। मैंने बहुत समझाया उसे, वो माना नहीं। मैंने कहा ना आगे के लिए सावधान रहो, वहां जाना मत, सबको मना करना। हाँ बोला सुनो, उधर दानव झील में मत जाना, ध्यान रखना अपना और पशु का भी, ठीक है? ठीक है ठीक है भैया, जाओ। ठीक है भैया।
चल 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 चलो भाई चलो। गाँव में ऐसा मलहा, आज तो मैं जंगल में बहुत दूर आ गया हूँ, लेकिन यहाँ तो चारों तरफ आज हरी हरी घास है, गैया तो आज पेट भरी लेगी। चलो जब तक गैया पेट भरेगी तब तक मैं भी छाया में बैठ जाता हूँ और मैं भी कुछ खा लेता हूँ। गाँव में ऐसा। अरे और गुलशन क्या हाल है? अरे जसवीर भाई बढ़िया है बढ़िया। अरे मैंने सुना कल तूने पलटू की बहू छेड़ दी। अरे छेड़ी ना थी वो। और अरे वो तो मेरे पास खुदारी थी। अरे हाँ सच में कह रही थी जसवीर, कह रही थी मेरे आदमी के साथ ना कुछ भी करता। अरे हाँ। अरे फिर मैं तो कहने लगा, मैंने कहा चल गुलशन के पास चल गई। अरे हाँ अरे देखो आने लगा छोड़ नहीं देखा। मुर्गा आ गया। मुर्गा अरे इधर इधर आ इधर आ। और सुना कहाँ से आ रहा है? कुछ माल पानी है? शाम को हमें दारू पीनी? अरे होगा माल पानी भैया, इसकी तो पैंट भी फटी पड़ी। अरे हाँ इसकी तो ये तो भाई नहीं है भाई। घुमा घुमा अबे अबे देख पीछे क्या है। अरे इसे कहाँ ले जा तू? अरे इसे मत लूटो तुम गरीब आदमी। अरे यार अरे कहाँ जा रहा भाई? अरे भैया तुम अपना काम करो हटो। अरे गुस्सा ले गया यार इसे भी। अब चल रहे हम भी खेत को। चल अच्छा पहला बकरा था यार निकल गया। जसवीर देख भोला बैठा है। आज तो भोला बैठा है। अरे ये तो लगता है रागनी गा रहा है। अरे यार वो बहुत बेसुरा गाता है। अरे नहीं यार चल एक बार सुन लेते हैं। नहीं नहीं मैं नहीं जा रहा, वो बहुत बेसुरा गाता है। अरे यार चल मेरा पता नहीं है, सुन मेरी बात। हमें पता नहीं है ये जो काली चमाने ये जो पता सच होता है। अरे नहीं कुछ नहीं होता। अरे चल तू आ सुनते इसकी रागनी। चलो यार जब तक रागनी गा लेता हूँ हाँ ये ठीक रहेगा। वैसे भी साला गांव में मेरी कोई रागनी सुनता नहीं, अकेला हूँ आज, अकेले में सुन खुद ही गा लेता हूँ, अकेले में खुद ही सुनता हूँ। चलो
मैं ऐसा मीठा मलहार, रजू ना सुने मेरा यो सुरीला मलहार, उसको डस जाए काला ना। जब ऐसा मलहार सुनने वाला हो जाए बेहाल। ओ डल डल पर पत पत पर घूमती डोले यो काली नगण, घूमती डोले यो काली नगण, जब मैं ऐसा सुरीला मलहार और सुनने वाले को डस जाए काली नागण। ना है बरे ना करवट बदले, बदल जावे उसकी काया का रंग। गाऊं जब मैं ऐसा मलहार, मैं ऐसा सुरीला मलहार सुनने वाला हो जाए बेहाल। मेरी कितनी सुरीली आवाज है, अगर कोयल भी सुन ले तो वो भी आत्महत्या कर ले। अबे बेसुरे साला, कोई और सुने तो तुझे चप्पल पड़ेगी। अबे चुप कर, उसे सुन जाएगा। अरे यार थोड़ी देर अगर और कोई मलार गा ले तो हमारी तो औरती उठ जाती भाई। अरे वैसे तो इसने हमारा कलेजा फाड़ दिया, अगर कोई और सुनता तो वो भी यमराज सुधर जाता। चलो गाना तो हो गया है, कुछ खा भी लेता हूं। अरे देख साला कैसे गपा गप खा रहा है। देख साला कैसे गधे बेच के सोया पड़ा है। अबे नहीं यार, घोड़े बेच के सो रहा है वो। चल भाई बातें छोड़, अब इसका कैसे ढंग बैठाएं ये बताओ। इसे मार के ना नदी में फेंक देते हैं। अरे नदी पे नहीं, कोई देख लेगा इसे, कहीं और मार के देखना। कुछ सोच, कुछ और सोच मेरे भाई। फिर क्या करें? कुछ और सोच। अच्छा ठीक है, सोचता हूँ। एक काम करते हैं। हाँ। सोच पहले। इसे मारकर दानव झील में फेंक देते हैं, ना रहेगा फांस और ना बजेगी फांसुरी। अबे एक तो ये और ऊपर से तू, मेरे सिर में दर्द कर दिया। क्या कर दिया भाई? कम से कम मिसाल तो ढंग से दिया कर। अबे ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। अच्छा ना बजेगी बांसुरी। हां चल। हां ठीक है, एक काम कर, पत्थर उठा के मारते इसको। उठा, तू उठा। अरे तू उठा भाई, तू मार मुझ पे। अरे भाई मारना। अरे यार तू मार दे। क्यों?
तो तू ना मर दे क्या? अच्छा अभी जाता हूँ, मर तू ले तू डाटा मान अट्ठा पत्थर मार। क्या हुआ, कहा सपने में खो गया? जा उसे मार, तू आगे फाड़ कर देख, मैं भी मार कर आता हूँ। सच कह रहे हो भैया तुम? हाँ गुर्दों की कसम सच कह रहे हैं हम। भैया तू वहां मत जाना, वो दानव तुम्हें कच्चा ही खा जाएगा। जो आ गया ना आज तक जिंदा वापस नहीं आया। अगर ये वहां नहीं गया तो कौन जाएगा? गैया तो माता होती है, उनकी रक्षा करना तो धर्म होता है। जान बची तो लाखों पाए, भैया तू गांव में कायर बन के जी लियो, वहां मत जाइयो वरना वो दानव तुम्हें कच्चा ही खा जाएगा। क्यों बावली बात कर रहा तू, और कौन जाएगा? इसके भैया भाभी जाएंगे। अच्छा हाँ। यू कायर ना है जो अपने भाभी भाई और भाभी को मारने के लिए भेजेगा है, यू खुद ही चला जाएगा। जल्दी कर वरना वो सारी गैया खा जाएगा। भैया तू एक बात तो बता। पूछ, तू दो बात पूछ। अरे भैया पर ये तो बता, वो दानव उस गैया को कच्चा खाएगा या बना के खाएगा? मुझे बड़ी दिलचस्पी हो रही है, तू चला जाना वहाँ साथ में, मुझे पता चल जाएगा तुझे कच्चा खाएगा या भून के खाएगा। मैं चला जाऊं, मैं घर तक फालतू हूँ, क्यों चला जाऊं? तो तू चुप बैठ फिर। अरे भैया मैं जाता हूँ और अपनी गैया वापस लेकर आता हूँ। भैया तू वहां मत जा वरना वो पिशाच तुझे कच्चा खा जाएगा। अरे वो पिशाच ना है, वो दानव है। वो दानव नहीं है, पिशाच है। वो दानव है, वो पिशाच है। वो दानव है, अरे वो पिशाच है। अरे वो दानव है। अरे तू चुप कर, वो तेरा मामा है। अरे काले मुंह वाले, अरे वो तो याद तो कर, वो तेरा फुप्पा है। अरे भैया तुम झगड़ा मत करो, मैं जाता हूँ गाय लेकर आता हूँ। बोला वापिस आकर बताना वो पिशाच है या दानव है। हाँ ऐसा जरूर बताइए काले मुंह वाले को। हाँ मैं वापस आकर बताऊंगा। हाँ बताइए जरूर। हाँ बिल्कुल, वो दानव है क्या है? भैया तुम्हारे गैया घर आ गई। क्या गैया घर आ गई? जी हाँ। और बोला? बोला नहीं आया। बोला नहीं आया? नहीं। अच्छा ढूंढना पड़ेगा, शाम होने को आई है, ये तो कहीं अनर्थ ना हो जाए, देखता हूँ जाके। हे भगवान आपके फसल इतनी अच्छी हुई है, फूलों की फसल, तेरी भी लीला अपरंपार है। आपके सबसे पहला फूल भगवान तेरे चरणों में ही चढ़ाऊंगा। अरे मुखिया, मुखिया जी आपने मेरे भोला को देखा है? भोला क्या हुआ भोला के? मुखिया जी वो गैया चराने आया था लेकिन गैया तो घर पहुंच गई, भोला नहीं आया। भोला नहीं आया? अरे जाओ उसको देखो, ढूंढो, शाम होने वाली है, जाओ जल्दी उसे जंगल की तरफ देखो। हैं? मैं नदी की तरफ देखता हूँ। ठीक है मुखिया जी, ठीक है। हे भगवान भोला के साथ कुछ अनर्थ ना हो। काली गोरी भूरी पीली, कहाँ हो तुम सब? ए भगवान मेरी जान ले ले, पर मेरी गैयाओं को भेज दे।
हे भगवान, अब कहाँ देखूं? गोरी काली भूरी पीली कहाँ हो तुम सब? हे भगवान, गैया मिली नहीं रही आज, हर स्थान पे जाकर ढूंढ लिया, कहीं भी गैया नहीं मिल रही। नदी देख ली, जंगल देख लिया, खेत देख लिया, अब कहाँ जाऊं? अब झील बची है, दानव झील पे ही जाके देखता हूँ, हो सकता है दानव झील पे चली गई हो गाय चरती हुई। ठीक है, दानव झील पे ही चलता हूँ। अरे झील पे तो मैं आ गया, गैया दिखाई नहीं दे रही है, कहीं यार ये दानव तो नहीं ले गया? गैया जरूरी है, चाहे अपनी जान चले जाए, गैया गौ माता होती है, उनकी रक्षा करना ही हमारा पालन है। काली गोरी कहाँ हो तुम सब? ओ झील में रहने वाले दानव, ओ पिशाच, कहाँ हो? बाहर आओ, मेरी गैया मुझे लौटा दो। ये क्या दानव, मैं तुझसे डरता नहीं, मेरी गैया मुझे लौटा दे। भारा तू कहाँ है? और राक्षस तू कहाँ है? तू चोर है, तू कायर है। ओ कायर भारा, ये कौन चिल्ला रहा है? किसने मेरी नींद खराब की? कौन ललकार रहा है मुझे? तू शैतान है, तू आदम खोर है, तू मेरी गैया का गोबर खा ले। सैकड़ों सालों से यहाँ कोई मानव नहीं आया, ये आज कौन मानव चिल्ला रहा है यहाँ पर? हिम्मत है तो मेरे सामने आ, मैं तेरा खून पी जाऊंगा राक्षस। लगता है आज खुद शिकार शिकारी के पास आया है। भर पेट भोजन करूंगा। मैं डरता नहीं तुझसे, सामने आ, मेरी गैया मुझे लौटा दे राक्षस। तू चोर है, मैं डरता नहीं तुझसे। तू मेरा खून पिएगा, ले मैं आ गया, ले पी मेरा खून। मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ। तू तो शाकाहारी है पर मैं तो मांसाहारी हूँ। तेरा आज खून पी जाऊंगा, आज तेरी बेटी बाटी खा जाऊंगा। तू चोर है, तू शैतान है, तू मुझे खा ले, मेरी गैया दे दे, गैया माता होती है, उन्हें खाने से पाप लगेगा, तू नरक में सड़ेगा। चुप करे मानव, मैंने तेरी कोई गैया नहीं खाई है। तू मेरी गैया कहाँ गई? वो तो झील पर ही आई थी। भोला, मैंने अब तुम्हें स्वस्थ कर दिया है और तुम्हारी गैया अब तुम्हारे घर पर ही है। आपने मुझे स्वस्थ कर दिया, मेरे प्राण बकस दिए। परंतु मेरी गैया घर पर कैसे पहुंची? जब तुम सो गए थे तो तुम्हारी गैया अपने बछड़े को दूध पिलाने के लिए घर चली गई थी, परंतु तुम्हारे दोस्त
गुलशन और जसबीर ने यह षड्यंत्र रचा कि तुम्हें मेरे पास भेजा कि ताकि मैं तुम्हें खा जाऊं अपनी दुश्मनी निभाने के लिए। हे प्रभु, पूरा गांव आपको दानव मानता है, लेकिन आप तो कोई देवता हो। आपने मेरे प्राण बख्श दिए, मेरी गैया की रक्षा करी। कृपा करके अपना परिचय दीजिए और अपने दर्शन दीजिए। मानव, मैं एक गंधर्व हूँ और मैं यहाँ हमेशा भ्रमण के लिए आता रहता हूँ। यहाँ आने वाले हर जीव जंतु या किसी मनुष्य को वहां से मैं भयभीत करके भगा देता हूँ, क्योंकि ये एक पवित्र झील है। हे देव, मैं आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गया। तुम बहुत अच्छे प्राणी हो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मुझसे तुम कोई वरदान मांगो। हे प्रभु, अगर आप वर देना ही चाहते हो तो ऐसा वर दीजिए, इस झील पर जो भी कोई इंसान आए आप उसको कभी भी भयभीत करके ना भगाए। ऐसा ही होगा, अब अपने लिए कुछ वर मांगो। बस प्रभु, भगवान की कृपा सदा मुझ पर बनी रहे, ऐसा वर दीजिए। भोला, तुम नाम से ही नहीं अंदर आत्मा से भी भोले ही हो। भोला, ये स्वर्ण मुद्रा लो। नहीं प्रभु, मुझे इनकी आवश्यकता नहीं है। भोला, तो ये अंगूठी लो, ये तुम्हारी सदैव रक्षा करेगी। जैसी आपकी इच्छा प्रभु। लो भोला, इसे भी लो। तास्तु। अबे भैया, ये क्या करा के आया मैंने? अरे आज मैं थोड़ा सा चिकना सा हो गया। अच्छा, एक बात बता। हाँ। जैसे शाम हो गई, बोला कहीं दिखाई नहीं दे रहा, अभी तक आया क्यों नहीं? अरे हाँ, मैं भी तो तेरे से ये पूछने आया था, बोला आया कि नहीं आया? नहीं, अभी तक तो नहीं आया। अच्छा, अरे यार अब तक तो उसे दानव है ना मार के खा भी गया होगा। तो पानी भी पिया होगा या नहीं? पहले खुद उसे मौत के मुंह में भेजता है, फिर उस पर तू दया दिखाता है। अबे मैं भोला की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दानव की बात कर रहा हूँ। अच्छा, वो दानव तेरा फुप्पा लगे है जो तू उसकी इतनी फिकर कर रहा ना? तेरे फुप्पा लगता होगा। हाँ। जसवीर, देख देख देख, ये तो दिन में ही भूत आ रहा है। ओ तेरी बहन की, अरे ये भूत ना, ये तो भोला। अरे इसे तो दानव खा गया और यू इतनी जल्दी भूत भी पड़ गया। यो अब हमें नहीं छोड़ने का भाई। कैसे पता चलेगा कि वो जिंदा है? एक काम कर रहे, पत्थर मार के देख रहे इसका। भाई पत्थर मार के ले, ले तू करिए शुभ काम। अरे नहीं नहीं भाई, तू ही मार, तेरा निशाना पक्का। अच्छा ना, तू ही मार। अच्छा, तू बहुत डरपोक ले, मैं करता हूं। हां तू ही मार। अरे ओ तेरी मार के मैं, ये पत्थर किसने मारा? अबे गुलशन, यू तो जिंदा है और इसके पास तो मटका भी। चल इसे लुटेंगे। चल चल, अरे तुम दोनों भाई। हाँ। बोला, अरे बोला बोला, तू जिंदा है? हाँ? तू जेल पे नहीं गया? गया था, तुझे दानव ने खाया नहीं? नहीं, और दानव ने ना मेरे को ना सोने की मटकी दी है। बोला बोला, हाँ? हमने तुम्हारी गैया घर पे छोड़ दी है। दिखा दिखा सोना, दिखा। हाँ दिखा। हाँ? ये देखो, ओ, वो, वो, वो। असली है। एक काम कर, इसको सोने को सुनार को दिखा के आते हैं। हम भी चलेंगे साथ। हम का मतलब क्या, कोई और भी क्या तुम्हारे साथ? नहीं, हम अकेले हैं। अरे तो तुम अकेले, हम दो हैं। यू किस पे दलाया? भाई वही से चुराई थी। गल्लू पे दलाया होगा तू। हाँ। और सुन, हम तुझे मार देंगे और काट देंगे यही। अगर जल्दी निकल ले, अभी हम बतावे, पता ना तुझे हम कौन है?
हम वो हैं जो जिंदे को ना, चल चल निकल यहाँ से। अगर किसी को बोला ना तो वहीं आके गाड़ देंगे। चल 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 निकल। सालों ने सोना लूट लिया, वो तो अच्छा हुआ मैंने सोने का लालच नहीं किया, मैंने ये अंगूठी ले ली दानव से। अरे दानव तो बहुत अच्छा है यार, ये अंगूठी मेरे पास है, मैं कभी ना बीमार पड़ सकता हूँ ना किसी चिंता में आ सकता हूँ, ये सही है। अबे एक बात तो बता, यू तमंचा लाया कहाँ था तू? अरे ये सब तो हम घर पे बनाते हैं। घर पे बनाते हैं, जैसा तू ऐसा तमंचा, यू तो चलने का भी नहीं, ऐसा बना होगा तू, तू चला आज तक जो यू चलेगा? चल चल आगे को चल रहे। ओ होशियार इसमें रख, काले से मुंह वाले तू, इसमें रख जल्दी, आगे चल के हिस्सा बांटते के चल। हाँ बिल्कुल, इसमें रख इसमें। बराबर बराबर। हाँ चल 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 जल्दी चल। देखा सबर का फल हमेशा मीठा होता है, और ये देख आज हमारे हाथ में क्या लग गया। अरे जल्दी यार, तू हमेशा काम उल्टे सीधे ही करता रहेगा, चल जा। अरे और चल, कहाँ चलेगा, जल्दी चल, यहीं बैठते यहीं कर देंगे। देखा मेरे शैतानी दिमाग का कमाल? नहीं देखा, पर हम धनी जरूर बन गए। अच्छा ये बता तू अपने हिस्से के धन का क्या करेगा? मैं तो वस्त्रों का भंडार खोलूंगा, भंडार। अच्छा और तू क्या करेगा भाई? मैं तो दारू की भट्टी खोलूंगा। दारू की भट्टी? बस तू दारू की बात करेगा और ये रंडी पैसा ही खोलेगा, और कुछ ढंग की बात भी करेगा नहीं करेगा। चल हिस्सा बांट। ठीक है। अरे ये क्या हुआ? अबे ये क्या हुआ सारे सोने का? अबे ये तो पत्थर बन गया, ये सब तेरी वजह से हुआ। ए भगवान ये क्या जुलम हुआ, सारा सोना पत्थर बन गया। गुलशन ये तेरी वजह से सारी गलती हुई है। मैंने क्या किया यार? तूने ये सब कुछ करा? ये मैंने बनाया सबको? पत्थर तेरी वजह से बना है, तेरे मन में खोट थी, तू इसे मारना चाहता था। अरे जा, तू कौन सा दूध का दूल्हा हुआ है, सारे गांव में तेरे जैसा कमीना आदमी नहीं है। मैंने क्या किया बे? अबे गोलू की भैंस बेच के खा गया तू? अच्छा हिस्सा तो तन्ने भी खाया भाई। भैंस तो तूने चुराई थी? हाँ वो कल्लू की बहू को लेके तू एक में बड़ा रहा, वहाँ तो ना हिस्सा देता तू मुझे। एक जवान संभाल कर बात कर। अच्छा क्या करेगा नहीं तो तू? वरना मैं तुझे अभी सबक सिखा दूंगा। मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। हाँ मार रहा। मैं तो चुपचाप बैठा था, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। अरे तोड़ के दिखा। अच्छा तोड़ के दिखाओ। अबे इसकी यारी भी धोखा देगी, इसका तमंचा भी धोखा दे गया, और हमारी किस्मत भी धोखा देगी। अच्छा है अब मैं दूसरा ही कोई मुर्गा पकड़ता हूँ, यह नया दोस्त बनाता हूँ। अगर दिल से मांगे तो सब कुछ मिल जाता है। अरे मैं तो भोला को ढूंढने आया था, और ये भगवान तूने मुझे धन दे दिया, वाह
क्या बात है भगवान जी, आपका लाख लाख शुक्र हो। चलो मेरा भी भला हुआ और इसको ना अपने पूरे गांव में बांट देता हूँ, गांव वालों का भी भला हो जाएगा। जय हो प्रभु।